मुंबई में आप ऐसे सैकड़ों कार्यक्रम देखे होंगे जहां मंगला गौर के साथ साथ स्त्री का सम्मान किया जाता है। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, सम्मान स्त्री शक्ति का, यानी कि हमारे देश में स्त्रियों की जो ताकत होती है उसको सम्मानित करने का एक बेहतरीन जो है यहां मंच बनाया गया है, जहां पर तेजस्वी अभिषेक घोसालकर के नेतृत्व में यह शानदार आयोजन किया गया। शाखा क्रमांक 1278 की तरफ से यह आयोजन शिवसेना के नेता और पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर लगातार ऐसे कार्यक्रमों को करते रहते हैं जिनमें स्त्रियों की शक्ति का आभास हो, स्त्रियों की शक्ति और उनके अंदर जो स्पर्धा छुपी होती है, उनके अंदर जो ज्ञान छुपा होता है, उनके अंदर जो कला छुपी होती है, उसे निखारने के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ जो है सम्मान स्त्री का शक्ति के माध्यम से दिया जा रहा है। बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ आई हुई तमाम महिलाएं नृत्य करती हुई दिखाई, तमाम तरह के स्पोर्ट करते हुए दिखाई दी। और ख़ासकर अभी हमने वैशाली सामन जी से बात किया जो सुप्रसिद्ध गायिका हैं, उन्होंने बताया कि एक बेहतरीन कार्यक्रम वह मिस कर रही थी, हालांकि उन्हें निमंत्रित किया गया। उन्होंने जो फील किया वह भी बताया कि किस तरह से वह महसूस करती हैं कि लगता है वह अपने घर में है। लेकिन जिस तरह से यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है, काबिले तारीफ़ है अभिषेक जी का, काबिले तारीफ़ है तेजस्वी जी का कि इतना शानदार कार्यक्रम किया, खासकर उन महिलाओं के लिए जो महिलाओं अपने दिनचर्या की ज़िंदगी में बिजी रहती हैं, उन्हें वक्त नहीं मिलता, लेकिन आज वक्त निकालकर उनके अंदर जो कला है उसे दिखाने का एक सुंदर प्रयास यहाँ किया गया है। वो तमाम झांकी आपको दिखाएंगे, देखते रहिए यह खास खबर। आता मी एक मराठी फिल्म करतोय, आम्ही दोघे पार्टनर्स नावाचं, त्याच्यामध्ये मी स्वप्नील जोशी आणि प्रार्थना बेरे आहे, तर प्लीज बघा, दॅट इज गोइंग टू रिलीज व्हेरी सून। जय हिंद जय महाराष्ट्र। अँड आय एम हिअर ओनली बिकॉज ऑफ हिम, अँड थोडा उशीर झाला, आय एम रिअली सॉरी, कारण मी फिल्म सिटीवरून येतोय, आय वॉज शूटिंग आणि खूप ट्राफिक आहे, म्हणजे मुंबई म्हणजे ट्राफिकच असं वाटतं आजकाल। फायनली थँक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल शानदार, बहुत भाग्यशाली हूँ कि महाराष्ट्र का जो कल्चर है, महाराष्ट्र का जो हमारा स्त्रियों के लिए स्पेशल बनाया हुआ जो ये कार्यक्रम है मंगला गौर, वो आज मुझे अटेंड करने का मौका मिला। इसी बहाने ये साज श्रृंगार करने का मौका मिला, नहीं तो आजकल करियर के जोन में हम खुद के लिए श्रृंगार करना भूल जाते हैं।
सो आज मैंने जैसे समझो घर पे आए हैं ऐसा फीलिंग था। अभिषेक जी ने बहुत अच्छा बहुत ही नेक कार्यक्रम आयोजित किया था, उनकी वाइफ तेजस्वी और उनका उनकी पूरी टीम महिलाओं के लिए जो आज उन्होंने ये रंगारंग कार्यक्रम रखा है। आई थिंक मैंने जो देखा सब महिलाएं बहुत खुश थी, बहुत सुंदर दिख रही थी। अंदर से जब सुंदरता खिलती है तो वो नज़ारा ही कुछ और होता है। तो आज मैंने बहुत इन्जॉय किया। सभी मेरे जो लेडी श्रोता हैं उनके लिए गाने का उनकी एनर्जी आप देखेंगे, कमाल एनर्जी थी। पूरा माहौल ऐसा हो रहा था कि हर कोई गा रहा था मेरे साथ। सो आई फेल्ट वेरी पॉजिटिव। आज बहुत एक अच्छी स्त्री शक्ति का मुझे एक रूप, एक बहुत पॉजिटिव रूप मन में लेकर जा रही हूँ। मैं अभिषेक जी को और तेजस्वी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी कि बहुत दिल से बहुत मेहनत से उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें मुझे उन्होंने भी शामिल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गणपति बापा मोरया, बिल्कुल मेरा जो नया गाना रिलीज हो रहा है अभी बहुत जल्द गणपति बप्पा जी के फेस्टिवल के लिए किया है, गौराई, जो कि माँ गौरी का गाना है मराठी का। बहुत ही बहुत बड़ी परंपरा है ये कि गौराई भी साथ में आती है बप्पा जी के, और जैसे ससुराल से जब वो आती है घर पे हमारे अपने बाल बच्चे लेकर आती है तो वो अपने मायके जाने का जो आनंद होता है, सुख होता है, वो गौरी पाती है, ऐसी कथा है। अलीग गौराई माहेराली, अलीग अलीग गौराई माहेराली। ये गाना बहुत जल्द रिलीज होगा सागरिका म्यूजिक पर। आज खऱ्या अर्थाने सन्मान स्त्री शक्तीचा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आज शाखा क्रमांक 1, 2, 7 आणि 8 अशा शाखेतल्या महिलांचा आज या ठिकाणी मंगळागौरचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। आज या कार्यक्रमाला शिवसेनेचे महिला आघाडीच्या नेत्या या ठिकाणी उपस्थित राहिले, ज्योतिताई ठाकरे असतील, मीनाताई कांबळे असतील, विशाखा राऊत असतील, त्याचप्रमाणे संजना गाडी होत्या। या सर्व महिला एकजूट आज शिवसेनेच्या ताकद आहेत, त्या सर्व महिला या ठिकाणी उपस्थित होत्या। मी धन्यवाद व्यक्त करतो तेजस्वी घोसाळकर आणि सुजाताताई शिंगाडेजे ज्यांनी आज हे संयोजन आणि आयोजन या ठिकाणी केलं, आणि मोठ्या संख्येत महिलांनी आज खूप मनमोकळेपणे आनंदात हा कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा केला, सगळ्यांनी एन्जॉय केलं आणि सगळ्या महिला आनंदात होत्या। सगळ्यांनी आपल्या वेगवेगळी कला, नृत्य, डान्स, ग्रुप डान्स, आज जर आपण बघितलं फॅशन शो, दहिसर चे फॅशन शोचं पण आपण या ठिकाणी आयोजन केलेलं होतं। मिस दहिसरकर आणि मिसेस दहिसरकर हेही विजेते आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी अनाऊन्स केलेले आहेत। खूप अशी धमाल मस्ती या ठिकाणी झालेली आहे आणि असंच कार्यक्रम हे शिवसेना नेहमी करत असते, महिलांचा आदर करत असते, महिलांचा सन्मान करत असते, आणि याच पद्धतीने आम्ही पुढेही काम करत राहू। आज बघितलं की ही महिला शक्ती जर आमच्या बरोबर असेल तर माझ्या मते कुठलाही गट, आम्हाला कुठलाही पक्ष आज शिवसेना उद्धव ठाकरेंना या ठिकाणी हरू शकत नाही। आज कितीही गद्दारी झाली तरी पैशासाठी झालेली हे आज पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दाखवून दिलेलं आहे। खोके बोके हे होत राहणार, पण जे एकनिष्ठ आहेत, जे शिवसैनिक आहेत कट्टर, ते नेहमी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मागे, बाळासाहेब ठाकरे यांचा जो विचार आहे ते पुढे घेऊन जाणार। जी कुछ महिलाओं को अलग अलग किताब से सम्मानित किया गया, किस तरह का क्राइटेरिया? देखो आपने, हमने यहाँ पे एक फैशन शो रखा था और साथ ही साथ एक रैंप वॉक भी रखा था। वहाँ पे हम लोग ने फैशन शो में जिन्होंने अपने अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे आए हुए थे उनको हम लोग ने वहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे जजेस हमारे थे, दोनों जजेस ने वहाँ पे उनको चुना और फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज़ दिया। उसी तरह मिस दहिसर और मिसेज दहिसर का अवार्ड भी आज यहाँ पे दिया गया है, और मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा कंटेस्टेंट ने इसमें सहभाग हुए थे और उसमें से 3 कंटेस्टेंट को हम लोग ने यहाँ चुना है। और एक दहिसर में ये कार्यक्रम की आज प्रशंसा हो रही है क्योंकि पूरी महिला ताकत
आज इस आनंद नगर पैराडाइज हॉल में आई हुई थी और यही ताकत लेके हम आने वाले चुनाव में हर एक पार्टी के सामने चैलेंज खड़ा कर रहे हैं। बार एक दो और सात और आठ का प्रोग्राम हुआ है, पहली बार अलग कुछ तो करना था इसके लिए, महिलाओं के लिए सम्मान स्त्री शक्ति का ऐसा टाइटल लेके हर प्रकार का डांस रखा था, फैशन शो रखा था, पैटनी का खेल रखा था, वेशभूषा विनर रखा था, ऐसे अलग अलग स्त्रियों महिलाओं के लिए जैसे कि उन लोग इंजॉय कर सके वैसे हम लोगों ने ये अलग सा प्रोग्राम रखा था और ये पहली बार दहिसर में हुआ है, इसका मुझे अभिमान है। हाँ तो अलग अलग प्रोग्राम रखे थे, उनका उत्साह था, कभी हुआ नहीं है ऐसा प्रोग्राम, तो पहली बार महिलाओं के लिए रखा था, इसके लिए मैं सभी हमारे मान्यवर जो आए थे उनका भी धन्यवाद करूंगी कि वो टाइम निकाल के आए इसके लिए। मला खूप छान वाटतंय की मला मिस दहिसरचं अवॉर्ड मिळालं आहे, ते पण माझ्या आईमुळे आणि माझ्या भावामुळे, की त्यांनी मला जर आज सपोर्ट नसता केला तर मला हे मिळू नसतं शकलं, त्यासाठी मी माझ्या आईला डेडिकेट करते की तिने मला सपोर्ट केलाय म्हणून। फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू, ही अपॉर्च्युनिटी हम लोग को दी है, तो मैं बोलूँगी कि अभिषेक घोसाळकर सर और तेजस्वी घोसाळकर मैडम जो ये काम कर रहे हैं, एवरी इंडिविजुअल महिला को जो वो प्रोत्साहित कर रहे हैं उनके हर एक फील्ड में आगे बढ़ने का, उसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आज ये टाइटल लेके भी हमें मिस दहिसर का बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। मेरे लाइफ का ये सबसे पहला टाइटल है मिस दहिसर, मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी दी गई थी विभूति मैम ने, ये मुझको बहुत अच्छा लग रहा है और ये घोसाळकर जी का धन्यवाद जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े रहने का मौका दिया उन्होंने एज अ मिस दहिसर।